जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। कुंडली कैसे देखें सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे श्रापित दोष के बारे में। आखिर ये दोष होता क्या है, ये कुंडली में कैसे बनता है, किन परिस्थितियों में ये दोष कम प्रभावशाली होता है, यदि कुंडली में ये दोष बनता है तो इसके क्या वो अचूक उपाय हैं जिनसे जातक को लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए पहले इसे थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोष होता क्या है। देखिए, जैसा इस दोष का नाम है श्रापित, अर्थात ये किसी प्रकार का श्राप जातक पर है। देखिए, राहु और शनि मित्र ग्रह हैं, पर शनि देव अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते और राहु आपकी इच्छाओं का कारक है। आप में जो आगे बढ़ने की चाह है, आप में जो सबसे अलग दिखने की चाह है, आप में जो आपके कार्य क्षेत्र में सबसे टॉप पर, सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने की जो चाह है, अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझने की जो चाह है, आप में जो छल है, आप में जो धोखा है, आप में जो अपने प्रॉफिट अर्थात अपने लाभ के लिए कुछ भी करने की एक आग, जो पैशन है, इन सब का कारक राहु बनता है। शनि और राहु की युति आपकी कुंडली में आपके द्वारा किए गए कर्मों को दर्शाती है कि आपने कुछ ऐसे कर्म अपने पिछले जीवन में किए होंगे जिसके कारण राहु और शनि की युति आपकी कुंडली में बनी है और इस युति को ही श्रापित दोष कहा गया है। जी हाँ, यदि कुंडली में राहु और शनि की युति यदि आप देखते हैं अपनी कुंडली में, तो इसे श्रापित दोष कहा गया है। कुंडली में राहु और शनि की युति आपके पिछले जन्म के किसी श्राप को यहाँ दर्शाती है, अर्थात शनि और राहु की युति आपकी कुंडली के किस भाव में है, ये आपको ये दर्शाती है कि आपने पिछले जन्म में उस भाव से रिलेटेड कुछ ऐसा कार्य किया जिससे किसी व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान हुआ और उसने परेशान होकर आपको अपने मन में श्राप दिया, या हम कहें उस श्राप का फल आपको शनि और राहु की युति के कारण इस जन्म में आपकी कुंडली में मिला। राहु और शनि की युति देखिए किस भाव में क्या परिणाम देगी। श्राप के कारण आपकी कुंडली में पर्टिकुलर उसी भाव में राहु और शनि की युति क्यों है और उस भाव में बनी राहु और शनि की युति जातक को क्या परिणाम वहां देगी और इसके क्या वो अचूक उपाय हैं, इन सब विषयों पर हम अपनी वीडियो सीरीज शनि और राहु की युति पर चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत लोग इस बात को नहीं मानते कि किसी को धोखा देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कलयुग है, यहाँ सब धोखेबाज हैं, हमने भी किसी को धोखा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, इस जन्म में ही सब कुछ होना है। परंतु आप इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आपने इस जन्म में खराब कर्म किए, उसका आपको हिसाब जरूर देना पड़ेगा और कर्म फलदाता शनि आपसे इसका हिसाब अवश्य लेंगे, चाहे वो किसी भी जन्म में लें, इसका आप ध्यान रखिए। और यदि ये युति किसी भी जातक की कुंडली में है तो समझ लीजिएगा कि वो जन्म आपका यही है जिसमें शनि देव ने आपको आपके कर्मों का फल यहाँ देना है। आइए अब समझते हैं कि इस दोष के कारण जातक को कैसी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा जातक जो भी कार्य करने की सोचेगा उसमें शनिदेव परेशानियां उत्पन्न आपको करेंगे। राहु जो भी इच्छा आप में क्रिएट करेगा अर्थात उत्पन्न करेगा, उस इच्छा के विपरीत आप उसका रिजल्ट पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जो इच्छा थी वह पूरी होने वाली है, तभी जो अंतिम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल आपकी इच्छा के उलट होंगे। आप यदि किसी नौकरी की ट्राई, एक एग्जांपल हम लेते हैं, यदि आप किसी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं और आपको वहाँ ऐसा लगेगा कि आपको वो नौकरी मिलने वाली है, परंतु एट द लास्ट मोमेंट आपको वो नौकरी नहीं मिलेगी और आपको इससे मानसिक परेशानियाँ बढ़ेंगी। ये मात्र एक एग्जांपल था, हम डिटेल में किस भाव में राहु और शनि की युति क्या परिणाम जातक को देगी इसका हम अपनी वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। इस जन्म में जो आपकी इच्छाएँ हैं वो शनिदेव आपके कर्मों के फल के रूप में देंगे, अर्थात आपके हर काम में वो विघ्न या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आइए बात करते हैं किन परिस्थितियों में ये दोष भंग हो सकता है, अथवा हम कहें कि जातक पर इसका कम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यदि राहु और शनि की डिग्री जो है 0 से 5 डिग्री है अथवा 25 से 30 डिग्री है। देखिए, यदि राहु की डिग्री है 0 से 5 और शनि की होती है 25 से 30 डिग्री या इसका उल्टा,
तो ऐसी अवस्था में राहु की महादशा या शनि की महादशा आपको अपने इस युति के खराब परिणाम बहुत ही कम देगी, अथवा हम कहें बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर आपको इस युति के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है जिसमें जातक को इसके दुष्परिणाम कम देखने को मिलेंगे। देखिए यदि गुरु आप ही कुंडली में अपनी उच्च की राशि में बैठा है और गुरु पंचम भाव में, नवम भाव में अथवा लग्नेश बनकर उस भाव को देख रहा है जहां शनि और राहु की युति, ऐसी परिस्थिति में इस युति के नकारात्मक परिणाम जातक को बहुत कम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यदि गुरु आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, लग्नेश है, पंचमेश है या नवमेश है, और गुरु लग्नेश में बैठा है या पंचमेश में बैठा है या नवमेश में कहीं बैठे हैं और वो उस भाव को देख रहे हैं जहाँ पे शनि और राहु की युति है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब जातक पर गुरु की महादशा आएगी उस समय जातक पर इस युति का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, या हम कहें ऐसी परिस्थिति में जातक को ना के बराबर परिणाम इस युति के देखने को मिलेंगे और जातक की मन में जो शांति भंग हो चुकी थी इस युति के कारण वो शांति आपको लौटती दिखाई देगी गुरु की महादशा में। और इस युति के कारण जो नकारात्मक ऊर्जा जातक के चारों ओर बन गई थी वो गुरु की महादशा में समाप्त होगी। गुरु की महादशा में जातक को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत है और गुरु की दृष्टि उस भाव पर है जहाँ शनिदेव और राहु की युति है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब गुरु की महादशा आएगी तो जातक को उसके दुष्प्रभावों से गुरु बचाएंगे। तो ये थी वो दो परिस्थितियां जब राहु और शनि की युति कुंडली में कम प्रभावशाली होगी और श्रापित दोष का प्रभाव जातक पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन उपायों की जिनसे जातक को लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए मैं जो उपाय आपको यहाँ इस चैनल पर बताता हूँ वो उपाय बिल्कुल भी महंगे नहीं होते हैं, और ये सभी उपाय वो उपाय हैं जिनको हजारों जातकों ने किया और उसका उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त हुआ है। तो आइए बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए आपको रोज सूर्यास्त के बाद राहु के बीज मंत्र ओम भ्रम रीम भ्रोम सहरावे नमः, इस मंत्र का जाप आपने रोज 108 बार करना है, वो भी सूर्यास्त के बाद। दूसरा उपाय जो आपने करना है, आपको रोज सुबह शनि के बीज मंत्र का जाप, स्नान करने के पश्चात आपने शनि के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शनि जराय नमः, इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। तीसरा उपाय जो आपने करना है, आपको हर शनिवार को भैरव जी के मंदिर जाना है, वहां आपने एक दिया जलाना है और वहां बैठकर आपने भैरव जी की आरती करनी है और वहां आपको एटलीस्ट 15 मिनट तक वहां बैठना है। चौथा उपाय जो आपने करना है, आप हर शनिवार को किसी सफाई कर्मचारी को सिक्कों का दान कीजिए। आप इसका ध्यान रखिएगा कि रुपयों, कागज के जो रुपये होते हैं उसका दान आपने नहीं करना है, सिक्कों का दान आपने करना है। देखिए पांचवा उपाय जो आपने करना है, आपको किसी से भी लोहे की चीज गिफ्ट में नहीं लेनी है। आपने इसका विशेष ध्यान रखिए, यदि आपने कोई लोहे की चीज आपने किसी से गिफ्ट लिए तो उसको आप कहीं दान कर दीजिए। तो ये थे वो कॉमन उपाय जो यदि किसी की भी कुंडली में, किसी भी भाव में यदि राहु और शनि की युति है तो आपको ये उपाय करने से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और बाकी उपाय मैं आपको कुंडली में किस भाव में, देखिए ये दोष बन रहा है, किस भाव में ये दोष बन रहा है, उस भाव में ये दोष क्या परिणाम देगा, उस वीडियो में हम उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि मान लीजिए प्रथम भाव में ये दोष बन रहा है तो हम प्रथम भाव के लिए जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में हम उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष क्या होता है, आखिर ये दोष या योग कैसे बनता है और इस दोष के क्या वो अचूक उपाय होते हैं जिनसे जातक को लाभ अवश्य प्राप्त होगा, इन सब पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।